नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आदिवासियों का संयुक्त संगठन ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा कि हमारा देश भावुक है। देश में लगभग 18 करोड़ आदिवासी निवासरत हैं, जो प्रकृति संपदा जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं, जिससे भारत में निवासरत लोगों को शुद्ध वायु जल और शुद्ध वातावरण मिल सके। पर आए दिन आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचारों की खबरें मिलती हैं। आदिवासी संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आदिवासियों पर हो रहे अन्याय नहीं बंद हुए तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मणिपुर राज्य में एक आदिवासी समुदाय को दूसरे आदिवासी समुदाय को षड्यंत्र कर लड़ाकर वहां की महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य करने और मध्य प्रदेश में सीधे पेशाब कांड वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आदिवासी संगठन ने भारत सरकार द्वारा लाए जा रहे यूसीसी लागू होने से आदिवासियों को पांचवी छठी अनुसूची में प्राप्त संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाने की बात कही, तो वहीं बांध सड़क जंगली जानवरों का खतरा बताकर आदिवासी को उनकी जगह से हटाने का काम सरकार बंद करे। आदिवासी संगठन ने केंद्र सरकार को सरकारी संस्थाओं का निजीकरण को बंद करने और देश में कानून और संविधान का सही रूप से पालन कराने की बात को कहते हुए देश में डीलिस्टिंग जैसे कानूनों पर रोक लगाने की बात कही। जो सरसर घटना हुई है उस विषय पे अपन यहाँ पे मेन हमारा मुद्दा यही है, इस पे अपन यहाँ पे आंदोलन और ये आक्रोश रैली निकाला गया है और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई करे और हमें कुछ इसका निर्णय फैसला जल्द से जल्द, नहीं तो आने वाले समय में हम इससे और ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा लोग हमारे लोग सभी को ही आ जाए, सभी समाज के सभी संगठन। अच्छा, मणिपुर में तो लंबे समय से जो घटनाएं हो रही हैं लेकिन बहुत लेट आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, ये तो अपन पहले अलग अलग दे चुके थे, अपन ये संयुक्त में कर रहे हैं, सब अपने अपने संगठन सब अलग अलग दे चुके थे लेकिन आज हम संयुक्त रूप से यहाँ। अच्छा, क्या कारण है जो मणिपुर मामला शांत नहीं हो पा रहा, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सर, ये यहाँ पे जो शासन राजसत्ता जिसकी है वो इस पे पहल नहीं कर रही, इस मुद्दे को रोकने के लिए ना उस पे पहल कर रही है, इसलिए वहाँ पे शांति नहीं बन रही। नाम है क्या? नाम है नीलम सिंह मरावी, गुड़वाना गर्दन पार्टी। इसमें अभी बिंदुवार मांगे तो हमने अभी बताई, इसमें मणिपुर में जो अभी हिंसा चल रही है, जाती है दो आदिवासी समूह को लड़ाया जा रहा है, तो उसमें नौ बिंदुओं के तहत हमने ज्ञापन दिया है और एक है आदिवासियों को कभी बांध निर्माण जैसे सड़क निर्माण हो गया, अभयारण्य निर्माण के नाम पर उनका जो विस्थापन है वह रोका जाए और भारत सरकार द्वारा जो समान नागरिक संहिता कानून लाया जा रहा है तो वह रोकने के लिए और देश में डीलिस्टिंग जैसे कानून तैयार ना किया जाए, इससे एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच जो विवाद पैदा होते हैं उसके राष्ट्रीय एकता में वह बाधक होती है। और पांचवी और छठवीं अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में जो निवासरत आदिवासी हैं उनके जमीनों को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त किया जाए, देश में कानून संविधान का पूर्ण रूपेण पालन हो और आदिवासियों पर जो भी शोषण और अत्याचार हो रहे हैं वो बंद किए जाएं। मध्य प्रदेश में घटी जैसे भी हाल ही में सीधी में एक पेशाब कांड हुआ था तो उसके पेशाब कांड के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि अगला कोई व्यक्ति उस तरह के कृत्य ना कर पाए। और देश में आदिवासियों के विलुप्त हो रहे जैसे उनके धर्म संस्कृति रीति रिवाज रूढ़िवादी परंपराओं को संरक्षित रखा जाए और इस हेतु आदिवासियों को एक विशेष धर्म कोड जो मांग की गई है वह प्रदान किया जाए। इन्हीं नौ सूत्री मांगों को लेके हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, जो ज्ञापन आज दिया गया है ये बैनर क्या है आपका, किस संयुक्त मोर्चा की तरफ से है? इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग ये सभी शामिल हैं। सब सभी शामिल हैं। अगर ये मांगे अभी भी नहीं सुनी जाती तो आगे क्या कदम? तो आंदोलन फिर से हमें ज्ञापन देंगे और आंदोलन हमारा आगे चलेगा। जो हमारा ये आक्रोश रैली आज है वो आगे भी चलेगा, धरना प्रदर्शन के रूप में भी यह प्रदर्शन हो सकता है। नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुनीता सिंह मरकाम। लंबे समय से वहाँ पे सब कुछ सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है लेकिन सरकार क्यों नहीं रोक पा रही इसको? ये तो सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सीधा सा बात है, सरकार की विफलता है कि वहाँ लगातार आज 70-75 दिन से हिंसा हो रहा है, लगातार बर्बरता हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, पर इसमें सरकार लगाम नहीं लगा पा रहा है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। जैसे आज आदिवासी समाज निकला है जी, पूरे देश से आवाज़ निकलनी चाहिए।
पूरे देश से आवाज़ निकल रही है। यह है कि अभी तक थोड़ा हल्का था तो छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहे थे, अब धीरे धीरे सभी संगठन के लोग ST SC और पिछड़ा वर्ग के लोग एकत्रित हो रहे हैं और अब अभी ज्ञापन के रूप में दे रहे हैं। कुछ दिन में यहाँ आक्रोश के रूप में धरना और आंदोलन किया जाएगा। शीतल सिंह टेकाम, सामाजिक कार्यकर्ता शहडोल से। तो मणिपुर की जो हिंसा है लगातार 6 महीने से शुरू है और दो बूथों में संघर्ष हो रहा, अब वो अतिहिंसा में बदल गया है। हम तो ये मानते हैं कि ये सक्षम सरकार नहीं है, ना केंद्र की सरकार ना वहाँ की भाजपा सरकार के राज की, ये दोनों सरकार इनका इच्छा शक्ति नहीं है। और सरकारों के पास शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ वो का उपयोग नहीं करते हैं और इसके पीछे कोई ना कोई भाजपा और RSS का हिडन एजेंडा है, इसलिए वो पूरे देश में दंगा कराने जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह नेटी, प्रदेश उपाध्यक्ष गठबंधन पार्टी।